ये जरूरी नहीं होता कि हम हर बार पार्लर जाकर ही फेसियल करवाएं, सो हम घर पे भी फेसियल कर सकते हैं। एंड हमें कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए हमें। आपको याद ही होगा पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था, एंड जब लॉकडाउन था तो कहीं भी पार्लर खुला नहीं था, एंड फिर से लगता है कोरोना का मतलब न्यूज आ रहा है, तो फिर से अगर लॉकडाउन हो तो कम से कम हम अपने फेस को क्लीन रख सके एंड हम अपने फेस का ग्लो जो है वो बरकरार रख सके। सो उसके लिए हमको इतना तो आना ही चाहिए हमें। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा स्टेप बताई हूँ एक एक करके। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सीमा। मेरी मम्मी बोलती थी कि हाँ मतलब हमारे पास ना हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम वो चीज़ करें ही, बट नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पास होने ही चाहिए हर चीज़ का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इस मतलब इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, या फिर जब भी आपको काम पड़े तो आप उस काम को कर सके। मेरा बस यही है कि मैं आपके साथ ये वीडियो इसीलिए बस शेयर कर रही हूँ कि अगर कभी भी आपको फ्यूचर में काम आए ये वीडियो। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको स्टार्ट करने से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि हाँ वो हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कहीं जाकर दूसरे से वो काम करवाते हैं। बट हमें वो करके ट्राई करना चाहिए कि हाँ हमसे होता है या नहीं। एंड सच बताओ तो वो चीज़ आपको एक से दो बार कठिन लगेगा, एक से दो बार मुश्किल लगेगा, हार्ड लगेगा, बट जब आप रेगुलर करने लगेंगे ना तो वो काम आपके लिए बहुत ही ईजी लगने लगेगा। बहुत बातें हो गई, सो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है एंड फिर एक फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है किसी हैंकी वगैरह से। तो इसका जो क्रीम है वो कुछ इस तरह से पैकेट इसका आता है। अगर आपको फेसियल करना नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फेसियल किट के नीचे कोई सा भी आप फेसियल किट लीजिए, उसके नीचे में ना लिखा हुआ रहता है। सो सबसे पहले आपको कौन सा क्रीम यूज़ करना है ये चीज़ आपको मेंशन किया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप, ये थर्ड स्टेप है मेरा, ये सेकेंड है, सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ये फर्स्ट है। सो फर्स्ट रहता है क्लीजिंग स्क्रब। सो मैं इसको निकालूंगी, सो मैं अब करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आपको फेस को क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपको इस तरह से क्रीम आएगा लेना है दोनों हाथ में, एंड इसको सर्कुलर मोशन पे में ऐसे करना है। एंड इसको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, आपको ज्यादा हार्ड नहीं, एंड ज्यादा ज्यादा भी हल्के हाथ से नहीं करना है, एंड ज्यादा भी इसको कड़ा हाथ से नहीं करना है, ज्यादा इसको दबाना नहीं है। आप उतना ही करें जितना आपका स्किन, किसी का स्किन सेंसिटिव होता है, किसी का स्किन बहुत ही टाइट होता है, तो जैसे आपका स्किन है आप उसी के हिसाब से अपने हाथों को चलाएं। अब मैं थोड़ा सा पानी लूंगी, अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं, मेरा अभी गुलाब जल खत्म हो गया सो इसलिए मैं पानी ले रही हूँ। ये दो फिंगर से आपको नोज पे करना है, देन आपको पूरे फेस पे करना है। एंड एक जो स्टेप रहता है, जैसे ये है फर्स्ट स्टेप इसका, ये है, तो आपको इस तरह से 5 मिनट करना है। पांच मिनट करने के बाद आपको फिर सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप वो ये है, तो अपने हाथों को ड्राई नहीं होने देना है, उसको पानी से या फिर रोज वाटर लेकर इस तरह से करते रहना है। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें आपको पूरा फेस को करना है, यहाँ से पूरा इस तरह से। आंखों के नीचे आपको इस तरह से करना है, फोर स्टेप है वो, आपको यहाँ इससे करना है। आपको नेक को भी छोड़ना नहीं है, नेक पे भी करना है। अब जो अगला है उसमें आपको मुट्ठी इस तरह से मुट्ठी बांधना है, एंड फिर उसको इस तरह से करना है।
एंड अपने लिप्स लिप्स पे भी करते रहिएगा, लिप्स को भी छोड़ना नहीं है। मेरा मतलब है लिप्स पे नहीं, लिप्स के साइड में जो होता है जैसे ये इस तरह से, तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अपने हल्के हाथों से इस तरह से आपको करना है अपने फेस पे। अब आपको फेस को क्लीन कर लेना है, आपको एक हैंकी रखना है एंड किसी भी चीज में आपको एक बाउल में पानी रख लेना है एंड हैंकी से आपको पोंछना है, फेस को क्लीन कर लेना है। तो फेस क्लीन करने के बाद अब जो सेव सेकंड है उस क्रीम से हम मसाज करेंगे, ये है एक्टिवेटर क्रीम। सो ये कुछ इस तरह से रहता है। सो इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम पिछले क्रीम को मसाज किए थे, सेम उसी तरीके से, सेम वही सारे स्टेप इस वाले क्रीम के साथ एंड आगे जितने भी क्रीम आएंगे उन सबके साथ हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है एंड एक और बात, हम अपने ईयर को भी करते रहेंगे, सारे क्रीम इस पे भी हम लगाते रहेंगे जिससे कि ये भी क्लीन हो जाए। सो अगला स्टेप ये है, सबसे मैं पिछली बार बताना भूल गई थी आपको, तो फेस को ना इस तरह से ऐसे टाइट करना है। एंड इसके बाद आपको फेस को क्लीन कर लेना है, ज्यादा टाइट से नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपको क्लीन करना है। एंड आप कोशिश कीजिएगा कि जो कॉटन का हैंकी होता है आप वही लीजिएगा। अब जो थर्ड स्टेप है मैं वो यूज करूंगी, थर्ड है मसाज क्रीम। सो ये क्रीम कुछ इस तरह से रहता है। फोर्थ स्टेप है ना वो पैक है, फेस पैक, तो उसको हम लगा करना 5 से 10 मिनट तक, जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक हम छोड़ देंगे, ये कुछ इस तरह से रहता है। एंड इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके अच्छे से एंड इसको 10 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। एंड ये ना थोड़ा फेस पे जलन होता है इसको लगाने के बाद, सो अभी मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर ली हूँ अच्छे से एंड इसको आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, मैं आपको पहले भी बता चुकी। सो यहाँ पे मेरा पूरा ड्राई हो चुका है एंड अब मैं इसे क्लीन कर लूँगी। इसको डायरेक्ट इस तरह से नहीं करेंगे, इसको पहले हम इस तरह से गीला कर लेंगे। सो फेस को क्लीन करने के बाद इस पर टोनर यूज़ कीजिएगा एंड मॉइस्चराइजर जरूर लगा लीजिएगा, विंटर का सीजन है तो विंटर का टाइम चल रहा है एंड आपका फेस ड्राई नहीं हो, इसके लिए आप अभी पहले टोनर यूज़ करके उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिएगा। सो फेसियल करने के बाद ना काफ़ी अच्छा फील होता है एंड ये फील मुझे अभी हो रहा है, मतलब मेरा स्किन जो है वो काफ़ी साफ क्लीन एकदम से लग रहा है एंड फेस इतना तो इतना अच्छा सा फील हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। सो ये आप भी घर पे करके ट्राई कीजिएगा, आप भी घर पे करने के लिए, यार इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है यार, 250-300 का फेसियल किट छोटा सा आता है बस एंड आप घर पे ट्राई करके देखना, एक दो बार सही से नहीं होगा, एक दो बार ही आपको टाइम लगेगा सही से करने में। सो फेस क्लीन होने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है दो तीन चीज़ों के लिए, फर्स्ट तो मेरे पैसे बच गए हैं एंड मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।